हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड तीशा। नया वीडियो के साथ उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है पेटूनिया। अगर आप लोगों ने पेटूनिया का सीड रखा है तो अभी सही टाइम है सीडलिंग तैयार करने का, तो आप लोग कर लीजिएगा अभी से ही। तो मेरे व्यूअर्स लोग हमेशा से मुझे पूछते हैं कहाँ से मैंने यह गार्डनिंग का सामान खरीदती हूँ और फर्टिलाइज़र, तो ये सब कोकोपीट वगैरह, तो यही सब आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे वाटर कैन है 5 लीटर और 10 लीटर, 275 और 400 इसका प्राइस है वाटर कैन का। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे सामान है जो गार्डनिंग में काम आने वाले, जैसे कि टावल है, खंती है, तो बहुत ही अच्छा अच्छा ब्रांड का। और फंगीसाइड भी है, छोटे चाहे तो छोटे, बड़े चाहे तो बड़े, तो छोटे बड़े सभी यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख ही सकती हो कितना अच्छा क्वालिटी है इसका और ब्रांडेड है। अगर कुछ भी सामान चाहिए हो तो आप लोगों को यहाँ पे आके नाम सिर्फ बताना है तो आप लोगों को मिल जाएगा। इनका बहुत बड़ा गोडाउन है और यहाँ पर थोड़ा सा ही सामान रखा हुआ है, तो यही। और जो भी फर्टिलाइज़र आप लोगों को चाहिए होंगे तो यहाँ पे ही मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। और ये स्प्रेयर मशीन भी है, तो आप प्लांट्स को शावर भी कर सकती हो। इसका प्राइस है 450 और दूसरा है 250। ये भी ब्रांडेड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ पर वेजिटेबल सीड भी मिल जाएगा आप लोगों को, तो ये भी यहाँ से ले सकते हैं अगर आप लोग वेजिटेबल उगाने पसंद करते हो तो। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रूनर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी चाहिए तो ये भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो यही है प्रूनर और बहुत अच्छी प्रूनर है ये भी, तो हर रेंज में अवेलेबल है, बहुत वैरायटी का है। जैसे कि एग दिखाया तो ऐसे नहीं, और भी है। और यहाँ पे रूटिंग हार्मोन भी मिल जाएगा। तो राइस हस्क आप लोग लेने से पहले तो थोड़ा सा आप लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा पहले। और कोकोपीट आप चाहिए तो अभी जाके अभी ही ले सकते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये है कॉन्टैक्ट नंबर और ये शॉप है वुमेंस कॉलेज चमोनी पे। तो अभी आ गई हूँ मैं टेरेस गार्डनिंग पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ प्लांट्स उस दिन मैंने ख़रीदा था तो अभी तक मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया है, इसीलिए मैंने कुछ बैग्स यहाँ पे लिया है। तो अभी इसको रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने, तो थोड़ा सा देखिए एरोप्लेन जा रही है ना, तो दिन भर बारिश हुआ है, तो अभी बारिश के बाद है ना शाम के टाइम, तो वेदर थोड़ा सा अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी भर के रखा था, तो अभी इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना बर्मी कंपोस्ट इसमें डाला है, तो अभी प्लांट्स को यहाँ पे लगा दूँगी। तो देखिए, मैंने 2-3 दिन से मिट्टी सुखाया और बारिश में भीग गया है मिट्टी, तो अभी गीला मिट्टी में ही मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा बारिश आ गया तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैं इन सब प्लांट को लगा लेती हूँ। तो मैं रिपोर्टिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो कैमरा मैन नहीं है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी पॉज करना पड़ेगा वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने लगा दिया है। तो लगाने के बाद अभी मैं फर्स्ट क्या करने वाली हूँ, ये मिर्च का पिंचिंग करने वाली हूँ, क्योंकि 1G 3G कटिंग करने से ना तो इसका ब्रांच ज़्यादा होता है और फ्रूटिंग भी ज़्यादा मिलते हैं। तो बैंगन को मैंने लगा दिया है। जो कुछ भी प्लान हो, अगर आप लोग ऐसे ग्रो बैग में लगाते हो तो मिट्टी को बहुत अच्छे से दबा देना है ताकि अंदर कोई एयर पॉकेट ना रहे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैंने लगा दिया है कुछ प्लांट्स। तो एक बैग यहाँ पे मैंने खाली रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ और प्लांट्स लगाने वाली हूँ। और यह है मेरा 15x15 साइज का ग्रो बैग है, तो इसमें मैंने मिट्टी भर के रख दिया। तो अभी मैंने क्या किया, ऊपर थोड़ा सा मैंने बर्मी कंपोस्ट का लेयर इसमें डाल दिया है। तो अभी मैंने यह मूली का सीड लेके आया, मैंने
यहाँ पे शायद मैंने 20 रुपए का सीड लाया है मूली का, सादा मूली शायद बोला था मुझे, तो यही अभी यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ। तो मेरे सुविधा के हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मैंने ड्रेन जैसा बना लिया है ताकि सीड डालने में मुझे आसानी हो, तो इस वजह से आप लोग जैसे भी करके आप लोग डाल सकते हो। तो मैंने अपने तरीक़े से मैंने डाला तो इस पे, तो अभी मैंने ये देखो सीड डाल दिया है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डाल दिया ताकि अभी बारिश के टाइम है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं बेसिकली नवंबर मंथ में स्टार्ट करती हूँ, तो अभी इस मंथ मैंने क्या हुआ दिस ईयर थोड़ा जल्दी कर दिया, तो अभी भी बहुत ही गर्मी और बारिश भी है तो ये ना ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सीड को थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया। पता नहीं क्या होगा, तो माई अच्छा ही मैं केयर करने वाली हूँ तो फिर भी देखती हूँ। तो अभी मैं कवर कर ले रही हूँ मिट्टी से थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा ऐसे करके कवर करना चाहिए ताकि बहुत आसानी से स्प्राउट निकल के आए, जर्मिनेट हो जाए और पानी डालने के वक्त भी ये इधर उधर छिड़े ना। तो यहाँ पे मैंने जो बैग खाली रखा था इसमें मैंने बिंदी लगा दिया है, मैं ये बिंदी भी मैं सीड से ही तैयार किया है, मैंने दूसरा क्यारी पे लगा कर रखा था तो वहाँ से ही मैंने अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो और भी यहाँ पे 3-4 प्लांट्स है तो इसको भी मैं बाद में शिफ्ट कर दूँगी। इस क्यारी में मैंने क्या किया था, तो जीनिया का प्लांट्स था पॉट्स में तो बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो इसीलिए मैंने इस पर डाल दिया और इतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हुआ ना, और इसका हाइट ज़्यादा होता है इस वजह से ये तूफान बारिश में ये नीचे ही ऐसे गिर गया, फिर भी फ्लावरिंग बंद नहीं हो रही है तो इतना फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ही मैंने 3-3 करके ना 9 प्लांट्स इसमें मैंने लगा कर रखा था ये छोटी सी क्यारी पे, तो अभी मैं सेंटर में जो प्लांट्स था वही मैंने शिफ्ट किया उधर, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली हुआ है तो हवा भी बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो अभी मिट्टी को घुराई करके इसमें थोड़ा सा खाद डाल देने से ना ये फ्रूट मिलने तक और कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस क्यारी पे बहुत ज़्यादा ये घास वगैरह हो गया था, मैंने उखड़ के फेंक दिया, और यहाँ ही 2 बैंगन खुद से ही ग्रो हुआ है, उसको भी मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है, ये भी मैं दिखाऊँगी वीडियो की बात में। तो अभी मैं घुराई कर ले रही हूँ, तो अभी घुराई करने के बाद इसमें थोड़ा सा खाद डाल देने से तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यह है चिचिंदा, है चिचिंदा की बेल जो पहले मैंने लगाया था, तो वो तो मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया, इसका सीजन भी ख़त्म हो गया है। अभी मैं तभी सीड रखा था तो वहाँ से ही मैंने यहाँ पर ग्रो किया, तो शायद सीड गिर गया हो ऐसा कुछ है तो ये ग्रो हो रही है। ठीक है, अभी भी टाइम है तो अगर शायद मिल जाए फ्रूटिंग इसका। और ये ग्रो बैग कुत्ता ने फाड़ दिया है तो इसको भी अभी शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा बैग को। ये गोल वाली बैंगन है तो इसको प्रूनिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर लिया है ये छोटी छोटी सी ग्रो बैग में और एक टमाटर भी, तो अभी मेरा 4 बैंगन का प्लान हो गया है तो और नहीं चाहिए। तो यही है मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।